आई एम प्रिया। आज हम करेंगे 11th क्लास के हॉर्नबिल का चैप्टर 4, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द साउथ। राइटर का नाम है नेथली ट्रॉवरी। नेथली ट्रॉवरी ने इस चैप्टर को लिखा है। इसमें कहा गया है कि वू दाओची नाम के एक पेंटर होते हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके बारे में प्रचलित बहुत सारी कथाएं कही जाती है। उसमें से एक ये है कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस चित्रकार होते हैं। उन्होंने अपनी लास्ट ड्रॉइंग बनाई थी, चित्रकार जो बनाई थी वो लैंडस्केप था, इसीलिए इस पिक्चर का, इस चैप्टर का नाम लैंडस्केप पड़ा, यानी प्राकृतिक भूदृश्य। उन्होंने आखिरी ड्राइंग यही किया था। 8th सेंचुरी में रहते थे। वहां के जो राजा थे जिनका नाम था तान एम्परर जाऊंजोंगी, उन्होंने अपने महल को सजाने के लिए दीवार पे बोला था चित्रकार बनाने के लिए लैंडस्केप का, तो फिर वो बनाया था और अपनी कला को पर्दे के पीछे रखा था, ताकि वो सिर्फ महाराज को, वहां के जो राजा थे उन्हें ही पता चल सके। वो राजा उस चित्रकार को देख के, उस पेंटिंग को देख के बहुत ही ज्यादा तारीफ करता रहता है। उसमें उड़ते हुए पेड़ को, उड़ती हुई चिड़िया को, पेड़ ऐसे हवा में लहर रहा होता है, झरना से पानी निकल रहा होता है, गुफा, वहां का बनाया सड़क, एक एक चीज को बारीकी से बनाया होता है, उसकी तारीफ हमेशा करता रहता है। फिर चित्रकार बोलता है, महाराज देखिए ये जो गुफा है इसमें आत्मा रहती है। ऐसा बोल के वो बोलता है कि मैं अंदर जाता हूँ, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ, रास्ता बताता हूँ। वो जैसे ही ताली बजाता है वैसे ही गुफा का रास्ता खुल जाता है। गुफा का जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, वो खुल जाता है और वो अंदर जाता है। जो पेंटर होता है वो दाऊजी, वो अंदर जाता है और उसके बाद फिर से वो गेट बंद हो जाता है। जैसे ही महाराज थोड़ा सा हिलते, वो राजा थोड़ा सा हिलते अंदर जाते हैं, इससे पहले वो गेट बंद हो जाता है और ब्रश से जिसे पेंट किया होता है उसका नामो निशान तक नहीं रहता है। उसके बाद वो पेंटर कभी भी वापस नहीं आया, वो दाऊजी कभी वापस नहीं आया, दोबारा कभी उसे देखा नहीं गया इस दुनिया में। उस टाइम 8th सेंचुरी में रहते थे, वो कभी देखा नहीं गया। इसकी तुलना एक ऐसी कहानी से की जाती है, ऐसी कहानी से की जाती है जो जिसमें वो उन्हें बोला गया था, एक चित्रकार को बोला गया था कि ड्रैगन की आंखें बनाने के लिए, तो ड्रैगन की आंखें नहीं बनाता है क्योंकि उसे डर होता है कि वो बाहर आ जाएगा और उड़ने लगेगा। इस दो बुक है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरी हमें मिलेगी। उस दो बुक का नाम है कॉन्फ्यूशियस एंड ज्वांगजोंगी। दो बुक है, इनमें इसी टाइप की स्टोरी मिलेगी। एक बार 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक लड़का था क्विंटल मोतीसी, लोहार था, उसे एक चित्रकार की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन उसके पिता को ऐसे वैसे दामाद नहीं चाहिए थे जो लोहार का काम करे, इस टाइप के कोई भी वर्क करे, वो चित्रकार था, उसके पिता चित्रकार थे, तो वो चाहते थे कि इसी टाइप का कोई ऐसा इंसान हो जिससे उसकी बेटी का विवाह हो। तो फिर क्या होता है, वो क्या होता है, जब उसके पिता, वो चित्रकार उस रूम में नहीं रहता है, तो वो जाता है और उसके पेंट पे बहुत सारी मक्खी बना देता है, इतनी बारीकी से बना देता है कि जब उसके पिता आते हैं ना, उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है रियल वो मक्खी है, इतनी बारीकी से बना देता है। फिर क्या होता है कि वो चित्रकार इसे क्विंटल मोतीसी को अपने नौकरी दे देता है, अपनी चित्रकारी में नौकरी दे देता है। उसके बाद उसका उसकी प्रेमिका से विवाह हो जाता है, उसके पिताजी इसका विवाह करवा देते हैं। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि हर एक कहानी की अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। जिस प्रकार से वो राजा उसके चित्र को देख के तारीफ तो किया था, तारीफ तो कर रहा था, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मार्गदर्शक तो वो चित्रकार ही करता है जिसने उसे बनाया। तो इस चैप्टर में यही कहा गया है।